लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। भारतीय युवा कांग्रेस के इलेक्शन कमीशन में बतौर ZRO जो है आपका नियुक्त हुआ हूँ। यहाँ पर थाने जोन में ZRO नियुक्त हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि समय समय पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा युवा कांग्रेस जो है नए युवाओं को मौका देती है चुनाव लड़ने का, उन्हें पदाधिकारी बनने का और कांग्रेस के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करने का। तो उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं आज यहाँ से दोबारा से मेंबरशिप सदस्यता अभियान शुरू करने आया हूँ, जो कि 12 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चलेगा और जिसके लिए जो भी लोग चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें हमें 27 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक का समय दिया है। वो अपना नॉमिनेशन फिलअप करके आगे होने वाली मेंबरशिप में मेंबरशिप भी करेंगे और चुनाव प्रक्रिया भी उसी में ही हमारी संलग्न होगी। तो जो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन रहते हैं जो हमारी आपकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो 28 तारीख से लेकर 2 तारीख नवंबर तक का हमें समय दिया है कि अगर कोई भी कंप्लेंट या नॉमिनेशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो वो 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक हमें कंप्लेंट दे सकता है ऑनलाइन के। और सबसे ज़रूरी बात की ये जो भी चुनाव की प्रक्रिया या मेंबरशिप की प्रक्रिया है ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन रहेगी, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा और 1 महीने के अंदर इसमें सदस्यता भी होगी और वोट की प्रक्रिया भी साथ ही रहेगी। और इसमें जो है हमारे 3 जो है वोट चलेंगे जिसमें हमारी स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और असेंबली, इन तीनों के लिए वोट कास्ट होगा। और इसमें जो हमारी कमेटी बनती है ये है असेंबली की, जो हमारी कमेटी रहेगी उसमें 1 प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 8 जनरल सेक्रेटरीज के लिए ये रहेगा। जनरल सेक्रेटरी में भी ये महिला के लिए रिजर्व रहेगा, हैंडीकैप के लिए रिजर्व रहेगा, SC/ST के लिए रिजर्व रहेगा, OBC के लिए रिजर्व रहेगा। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कमेटी जिसमें 1 वाइस प्रेसिडेंट, 5 1 प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 5 जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। और वैसे ही स्टेट कमेटी है जिसमें 1 प्रेसिडेंट, 5 वाइस प्रेसिडेंट और 7 जनरल सेक्रेटरी रहेंगे अलग अलग रिजर्वेशन से। और स्टेट का जो चुनाव है, जो स्टेट अध्यक्ष के लिए जो चुनाव हम करवाएंगे उसमें जो है परफॉर्मर लिस्ट के अंतर्गत जो भी लोगों का नाम आता होगा जिसे IYC में हमारे जो अध्यक्ष ही हैं उसे फाइनल करेंगे, वही लोग केवल स्टेट का जो चुनाव है जो पिछले काफ़ी समय से सक्रिय हैं महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस के कामों में, केवल उन्हें ही इसमें मौका दिया जाएगा लड़ने के लिए। और इसमें जो हमारी प्रक्रिया है इसमें हमें मेंबरशिप जो करवाएंगे उसमें 1-5 सेकेंड का वीडियो अपलोड होता है, 1 फ़ोटो अपलोड होती है और ID प्रूफ अपलोड होता है जिसके द्वारा उसकी पहचान होकर ही हम उसे अपना सदस्य बनाते हैं और उसे वोटिंग का अधिकार देते हैं। और इसमें जो कट ऑफ डेट है इसमें 18 साल से लेके 35 साल तक के युवा जो हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं, जिसके लिए कुछ कट ऑफ डेट हमने लगाई है वो है 27 अक्टूबर 1985 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक। इन तारीखों के बीच में जो भी लोग 35 साल के युवा हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। कांग्रेस च्या आदेशानुसार त्याचानुसार आज महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस चे जे पदाधिकारी चे निवडणूक असतात त्याच्या 27 ऑक्टोबर ते 1 नोव्हेंबर पर्यंत नॉमिनेशन्स दाखल होणार आहेत सगळे निवडणूक पदाधिकाऱ्यांची। त्याच्यानंतर ती निवडणूक 28 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबरपर्यंत जे काय ऑब्जेक्शन्स कोणाचे काय असणार ते दाखल करण्यात येणार, त्याच्यानंतर मेंबरशिप आणि निवडणूक करण्यात येणार आहेत। 12 नोव्हेंबर ते 12 डिसेंबरपर्यंत सगळे निवडणूक करण्यात येणार आहेत। तर आज यूथ काँग्रेसची जे पदाधिकारी निवडणूक होणार आहे ते आपल्या डेमोक्रॅटिक हिशोबाने आणि इलेक्शनच्या हिशोबाने होणार आहेत आणि सगळे पदाधिकारी त्या हिशोबाने निवडणुकाच्या हिशोबाने निवडून येणार आहेत। सगळे पदाधिकारी जिल्हाध्यक्ष असो, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष असो किंवा आपले
विधानसभा अध्यक्ष असो बाकी पदाधिकारी जे आहे सगळे निवडणुकीच्या प्रमाणे निवडून येणार आहेत। कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से होने वाला है, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक होगा और ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। इसमें मेंबरशिप वेरीफाई करने के लिए आदमी के डिटेल्स के साथ में नॉमिनी का एक वीडियो भी लिया जाएगा, जिसमें कि वो पता 5 सेकंड का वीडियो होगा, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि जो मेंबर है वो ओरिजिनल वो मेंबर ही है, जिसमें कि क्रॉस वोटिंग या गलत वोटिंग का चांसेस निकल जाता है। और जो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के जो पैम्पलेट्स है वो हम आपको प्रेस के साथ में शेयर करेंगे इसके बाद में, तो आपको उसमें पूरा डिटेल में। ऑनलाइन वोटिंग इटसेल्फ सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि एक आदमी, एक मोबाइल नंबर, एक आधार कार्ड और एक वोट और एक पोस्ट। जो आदमी का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर से उनको OTP के द्वारा उनका वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद में वो आधार कार्ड उसमें अपलोड किया जाएगा जिसमें उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। एंड सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए ये जो नया वीडियो का जो ये है वो ये इलेक्शन से महाराष्ट्र में पहली बार देखा जाएगा यूथ कांग्रेस के, जिसमें कि आदमी जो मेंबर ले रहा है वो अपना नाम उधर पे वीडियोस के वीडियो में बताएगा। सर, जो इलेक्शन लड़ेंगे जी, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, उनको वोट करेंगे वो कौन से लोग होंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है? इलेक्शन क्राइटेरिया में सिर्फ 18-35 एज ग्रुप में जो भी लोग आएंगे वो कर सकते हैं, जो कि 27 अक्टूबर 1985 के बाद जिनका जन्म हुआ है ना सर? नहीं, वो लोग अगर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर कोई नया मेंबर अगर जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है वो भी इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल, सबके लिए ओपन फॉर ऑल, कोई भी लड़ सकता है। और जो वोटिंग करेंगे वो लोग कौन होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, तो कोई आम पब्लिक आपका लिंक रहेगा, वोटिंग के लिए आपका लिंक रहेगा, तो कोई आम पब्लिक को भी लिंक भेजेगा जो अपना वोट दे देगा? नहीं, इसमें क्या है कि वोटिंग जब भी होता है तो उसमें एक मेंबरशिप फीस होता है जो कि बहुत माइनर अमाउंट है। मेंबरशिप फीस और ये जो स्क्रूटनी मतलब जो होता है आधार कार्ड और ये वीडियो के बेसिस पे, IYC का यही कोशिश है कि ज़्यादा मतलब जो आप बोल रहे हो ये सब प्रॉब्लम्स वोटिंग के दौरान ना हो। तुमचा एकदम चांगला प्रश्न आहे। वोट करणारा माणूस असणार ते कुठल्याही पार्टीचा असू द्या, पण ते इन दी एंड काँग्रेसला वोट करणारा असणार, हे तुम्ही काळजी घ्या। डेमोक्रेटिक प्रोसेस, याचा अर्थ की ती लिंक सगळ्यांपर्यंत, हाँ, कॉमन पीपल पर्यंत, दिस इज फॉर ऑल। ये जो प्रोसेस है ये सारे 18 से लेके 35 साल के उम्र के जो भी नव मुंबई के रेसिडेंट्स है वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप के साथ में ही वो अपना वोट भी डाल सकते हैं।